हेलो गाइस, वेलकम बैक। इस वाले वीडियो में आपने देखा कि कैसे चॉप हमें अपने जुड़वा भाई की स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है, और उस स्टोरी में हमने देखा कि कैसे उसके पापा उन दोनों भाई को वहां से अलग कर देते हैं और उनके पास कोई घर नहीं रहता। तो चॉप जो रहता है वो किसी नॉर्मल बंदे को खोजता है, और उसका भाई जो रहता है जो कि व्हाइट वाला है वो किसी अमीर बंदे को खोजता है अपने मास्टर के लिए। और फिर उस व्हाइट वाले डॉगी को एक बहुत अमीर मालिक मिल जाते हैं, और चॉप को मिलते हैं आर्यन भाई। और उसके बाद आगे गाइस, इससे पहले कि अपन इस स्टोरी पे अंदर घुसे, अगर आपने वो सब्सक्राइब बटन नहीं तो जल्दी से दबा दो यार। और एक डिस्क्लेमर, अपन अभी भी पास्ट में ही चल रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो यार बढ़िया, ये जब से नया डॉगी आया है ना, तब से मतलब शिनचान को भी एक अच्छा सा फ्रेंड मिल गया है, और मेरा भी घर पे बहुत बढ़िया स्वागत होता रहता है। जैसे अभी मैं अंदर जाऊंगा, ओ वो रहा, मास्टर आप आ गए, मैं आपका थैंक यू बोलना चाहता हूँ, आपने मुझे अडॉप्ट कर लिया है। अरे भाई, तू लिटरली इतना छोटा सा प्यारा सा एक पप्पी है भाई, अब मैं देखो कहाँ अकेले छोड़ता यार चॉप। और मैं देखो बोल के थक गया हूँ कि हर दिन थैंक यू बोलने की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं, तू हर दिन क्यों थैंक यू बोलता है। अरे भाई, आप मुझे हर दिन के लिए अडॉप्ट किए हो, तो हर दिन थैंक यू बोलना तो बनता ही है भाई। अरे यार, इसे कौन समझा है। वेल, तूने अच्छे से आज खाया तो है ना। हाँ, मुझे शिनचान ने खाना दिया था। वेल गाइस, अभी शिनचान स्कूल गया हुआ है, और जब तक शिनचान स्कूल में रहता है ना, तब तक थोड़ी शांति रहती है, क्योंकि जब शिनचान और चॉप दोनों मिल जाते हैं तो भाई बहुत क्रेजी हो जाता है सीन, क्योंकि अभी अभी चॉप को रिसेंटली अडॉप्ट किया है। मास्टर, हम पार्क में खेलने कब जाएंगे। यार अभी तो मैं आया हूँ, नहा धो के आता हूँ मैं अच्छे से, उसके बाद अपन निकलेंगे, ठीक है। वैसे आज तो संडे करके मैं इसको टाइम दे पा रहा हूँ, वरना कल से तो मेरे को ऑफिस जाना पड़ेगा। अभी फिलहाल मैं फट से नहा लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं क्या करना है, खेलना है, कूदना है, जो भी करना है। लेकिन उसके पहले गाइस, अगर आपने वो लाइक वाला बटन नहीं दबाया तो यार क्या कर रहे हो, वो लाइक वाला बटन दबा दो। अरे वो रहा स्नॉप, अरे स्नॉप तुम यहाँ पे अकेले बैठे बैठे क्या कर रहे हो यार, सब कुछ ठीक तो है ना, तुम्हारी तबीयत वगैरह सब ठीक है ना। डिचका डिचका मास्टर, मैं तो बस कुछ नहीं जी, ये सोच रहा था कि हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं लेकिन एक चीज नहीं है जी। क्या हमारे पास किसी चीज की कमी है? अरे ये तो मैंने कभी सुना ही नहीं है, पहली बार सुन रहा हूँ मैं। अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें किस चीज की कमी लग रही है, बताओ बताओ, तुम्हारी हर विश पूरी हो जाएगी। क्या मैं सोच रहा था जी कि अगर हमारा मालिक हमको हर टाइम में देगा तो कितना बढ़िया होगा जी। अरे टाइम यार, क्या बताओ, आई एम वेरी बिजी दिस डेज। क्या है ना, आजकल एक नया बिजनेस चालू किया है मैंने, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, मेरिंग के लिए बहुत समय चला जाता है यार, तो उसके लिए अभी थोड़े दिन तक मैं थोड़ा बिजी रहूंगा, तब तक तुम थोड़ा सा एडजस्ट करो, तुम्हारे साथ खेलने के लिए बहुत सारे लोग तो यहाँ पे आ जाएंगे, उसकी चिंता मत करो। फिर जैसे ही मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगा, हम कभी घूमने चलते हैं, ठीक है, हम बड़ी बड़ी जगह ट्रिप पर जाएंगे, तुम टेंशन ना लो, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है, बहुत पैसा है मेरे पास। अच्छा ठीक है जी, हम तुम्हारा वेट करेंगे जी। चलो ठीक है, अभी मैं चलता हूँ। और हाँ, तुम्हारे लिए जो हमने कार तैयार करी थी ना तुम्हें मॉर्निंग वॉक पे जाने के लिए, वो सब कार रेडी है, ठीक है, तो तुम चाहो तो तुम जाके उस कार पे बैठ सकते हो, ठीक है। चलो तुम चले जाओ, मैं अपने लिए बिजनेस मीटिंग की तैयारी करने जाता हूँ, क्योंकि आज मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ। डिचका जी, हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम किया जी इन्होंने, चलो चल के देखते हैं जी। डिचका जी, यहाँ पे तो बहुत सारी कार है जी, बाप रे बाप, हमारे लिए इसमें से कौन सी गाड़ी होगी जी, इतनी सारी गाड़ी तो हमने अपने जीवन में एक साथ नहीं देखी जी, हमारे लिए कौन सी गाड़ी है जी। तुम अपने से चूज कर सकते हो। हाँ जी, अपने से, हम तो ये सफेद वाली चूज करेगा जी, ये हमारे कलर के साथ मैचिंग मैचिंग है जी। अरे वाह, हमको इसमें मॉर्निंग वॉक पे ले चलो जी। जैसी तुम्हारी इच्छा हो, जाकर बाजू में बैठ जाओ। डिचका डिचका ठीक है जी, चलो फिर हमको मॉर्निंग वॉक पे ले चलो जी। हम कार से एक दिन मॉर्निंग वॉक पे जाएगा, ये तो हमने सोचा ही नहीं था जी, लेकिन चलो ठीक है जी, अब हमको बहुत अमीर जैसा फीलिंग आ रहा है जी। चुप, लेकिन क्या तू भी कभी कभी सोचता है कि हमारे पास भी काफी सारी कार्स होनी चाहिए। कार्स? अरे किसने कहा हमारे पास कार्स नहीं है, अभी दिखाते हैं भैया तुमको, हमारे पास भी बहुत सारी कार है भैया। तुम्हारे पास कैसी कार है? लगता है तुम्हें पता नहीं, मर्सिडीज है, बुकाटी है, ये देखो हमारे पास है बहुत सारी सुपर कार। आखिर मास्टर ने मुझे इतने सारे खिलौने ला के दिए हैं, और ये मिस्टर पम पम भी है, इससे अच्छा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। अरे जब तू भी ना, एक सेकंड के लिए मुझे बिल्कुल डरा सा दिया था, मैं ये सोचने लगा कि हमारे पास मर्सिडीज, बुगाटी, ये सब कैसे आ गई भाई, लेकिन ठीक है, आखिर हमें खेलने के लिए इतनी ही तो काफी है, कार की कमी है क्या भाई हमारे पास। अरे मास्टर ने कहा था कि तुम्हारे लिए हमें काफी सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स लेने हैं, ताकि तुम्हें एक रिच फीलिंग आ सके। रिच फीलिंग? हमको रिच फील करने का कोई जरूरत नहीं है जी, हम तो पहले से रिच है। जो ओनर ने कहा है, मैं सिर्फ उतना ही जानता हूँ। After all, I am just a bodyguard. You follow me, dog. Okay? Come on, come fast. उड़चका उड़चका बड़ा ही अजीब सा बॉडीगार्ड है जी, अब देखते हैं ये क्या करेगा। भाई साहब, आप हमें एक एप्पल का प्रोडक्ट दे दीजिए। In fact, आपके पास जिस
जितने भी एप्पल के प्रोडक्ट हो हमें आप सब दे दीजिए। ये ले लिया सर। ओके, तो क्या इसमें सारे एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं? यस सर। ठीक है, आप इसे हमारी गाड़ी में लोड करवा के रख दीजिए। एंड यू डॉग, यू कम विथ मी। रिचके, इतने सारे एप्पल के प्रोडक्ट सिर्फ मेरे लिए आजिए, लगता है बहुत मजा आने वाला है। हाँ, अरे नहीं भाई, नहीं चाहिए यार एप्पल के प्रोडक्ट। क्या है यार, हर जगह एप्पल एप्पल एप्पल, नहीं चाहिए भाई, मेरे को दिमाग खराब हो रहा है मेरा। अरिन भाई क्या हो गया? अरे वही आईफोन वाले लोग यार, बार बार कॉल कर रहे। एक बार मैंने रेट क्या पूछ लिया, बार बार बोल रहे भाई आपको खरीदना है वो खरीदना। अरे नहीं खरीदना मेरे को। मास्टर हमारे पास तो एप्पल बहुत सारे रखे हैं भाई, उसके प्रोडक्ट्स भी है और वो भी है। बट भाई एक मिनट, मेरे पास तो नहीं है। किसका फोन, क्या देख लिया तूने एप्पल प्रोडक्ट? अरे आप तो अंधे ही निकले भाई, वो देखो टेबल में इतने सारे एप्पल रखे हैं। अरे एप्पल, अरे मेरे भोले भाले भोंदू चौप, एप्पल ना एक फोन ब्रांड भाई यार। कुछ नहीं यार, छोड़ चौप, तू जाने दे। तू चुप रहे बाबा, तू चुप रहे। तू वही एप्पल खा और खुश रहा है, ठीक है? अरे भाई मैं तो वही एप्पल खाऊंगा और खुश भी रहूंगा, समझे? गाइस मैं आपको एक सीन बताता हूँ। आज ना हम लोग शाम को एक बहुत ही प्यारे गार्डन जाने वाले, और चौप इतना ज्यादा एक्साइटेड है उस गार्डन में जाने के लिए। पता नहीं उसको कौन सी, तो भाई कोई एक अजीब सा उसको कोई दोस्त मिल गया है, उनके साथ ही घूमता रहता है। रैबिट है और बिल्ली है, चूहा है, अजीब अजीब उसके फ्रेंड सर्कल है। आज शाम को उससे मिलने जाएंगे, और भाई वो सब अतरंगी अतरंगी है, एक से एक जवाब देते हैं सवालों का। तो आज शाम को चलते हैं वहाँ पे। तो ये देखो, ये है तुम्हारा डॉग हाउस जो कि काफी बड़ा है। तुम्हें ये मालिक ने पूरा का पूरा अकेले रहने के लिए दिया है। अरे इतना बड़ा घर तो मुझे भी नहीं मिला था। ठीक है, तुम जाओ अंदर, और अंदर जाके आराम करो। जब तक मास्टर नहीं आते तुम्हारा खाना नहीं लगेगा। जाओ यहाँ जाके आराम कर लो, मुझे बड़ा काम है, मैं चलता हूँ। ये जगह तो बहुत बड़ा है जी, लेकिन फिर भी जी यहाँ पे वाला फील नहीं आ रहा है जी। आपको सोने के लिए इतना सारा जगह दे दिया जी, लेकिन हमें सोएगा कहाँ ये हम समझ नहीं पा रहा है जी। हमारा तो बहुत पुराना आदत है जी, जमीन में सोने का। अपन इतना मुलायम मुलायम गद्दा देख के उसमें नहीं सोएगा तो हमको बुरा लगेगा जी। लेकिन चलो ठीक है जी, अमीर होने का कुछ तो फायदा होगा ना जी। ऑलमोस्ट बन गया भाई तेरा घर चौप, ज्यादा नहीं लगेगा। अब वहाँ से उखाड़ के यहाँ पे लगाने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है, और भाई लाने जाने में थोड़ा डैमेज भी हो गया होगा। बस थोड़ा सा और बचा है, फिर हो जाएगा, ठीक है? ओके, आई एम वेरी हैप्पी। मास्टर मास्टर, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये घर नहीं होता तब तो भैया मैं बारिश से पागल ही हो जाता है ना। अरे नहीं भाई, तब तू अंदर आके सोता ना यार, ज्यादा तेज बारिश या धूप होगी तो अंदर आ जाना, ठीक है? ये तो मैं सोच ही नहीं पाया भाई, मैं अंदर भी तो जा सकता हूँ। लगता है मैं थोड़ा इंटेलिजेंट से कम इंटेलिजेंट हो गया हूँ। थोड़ा इंटेलिजेंट कब था भाई तू? वेल, लेकिन तेरा ये जो घर है तैयार हो गया मेरे भाई, मेरे प्यारे चौप, जा तू इस घर पे रह ले। और हाँ, मैंने जो तेरे को शाम को था ना कि अपन पार्क वार्क जाएंगे, याद है तेरे को? अरे भाई उसी के सहारे से मैं जी रहा हूँ, क्या हो गया? हाँ तो यार अपन वो पार्क नहीं जा पाएंगे भाई, सॉरी यार। मास्टर वो नहीं जा पाएंगे? अरे ये कैसा हो गया भाई? अरे मस्ती कर रहा हूँ भाई, जाएंगे यार, तू चिंता मत कर, तू चिल कर। और हाँ एक बात और है भाई, वापस आने के बाद तू खुद से नहाएगा बाथ टब में, खुद अंदर जाके, ठीक है? देखो ये जो नहाना वहाना छोटी मोटी चीजें होती है ना, ये सब मैं बिलीव नहीं करता हूँ। बिलीव नहीं, बिलीव बिलीव कैसे नहीं करता है? अरे बिलीव करने लायक है क्या उसमें? देखो ये जो नहाने का कॉन्सेप्ट है ये बड़ा ही ओल्ड फैशन है। अरे भाई लोगों को लगता है कि वो गंदे हो गए। अरे वो गंदे कैसे हो सकते हैं भाई, वो दिमाग से गंदे हो जाते हैं, इसीलिए उनको नहाना पड़ता है अपने दिमाग को शुद्ध करने के लिए। लेकिन मुझे देखो भाई, मैं तो हमेशा शुद्ध रहता हूँ, एकदम खुशबूदार। नहाने का कॉन्सेप्ट ऐसा काम नहीं करता है, और तू खुशबूदार रहता है ये तेरा बहुत बड़ा भ्रम है भाई। यार चौप को समझाने से बढ़िया मैं खुद जाके चुपचाप नहा लेता हूँ। पानी वानी गर्म हो गया, ऑल राइट मैं नहाने जा रहा हूँ। एक मिनट गाइस, याद है कैसे आगे? अब आ ही गए हो तो एक लाइक करके जाओ यार, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ आप में से बहुत सारे लोगों ने लाइक नहीं किया। और गाइस लाइक तो ठीक है, आप में से कितने सारे लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है? तो अगर आप भी उनमें से हो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो गाइस यार आप जल्दी से उस सब्सक्राइब बटन दबाओ, ताकि अपना जो चौप है इस पे थोड़ा तो दिमाग आए यार। चलो मैं नहा धो के आता हूँ यार। डैडी आप मुझे एक किसी डॉगी के बारे में बता रहे थे, है ना डैडी? वो डॉगी आखिर कहाँ है? अरे वो रहा, अरे वाह, लगता है वो हमारा ही वेट कर रहा है। मास्टर मैं आपका ही वेट कर रहा था जी। अरे वाह डैडी, ये तो बहुत ज्यादा कूल डॉग है, ऐसा डॉग तो मुझे बहुत पसंद है। ओए प्यारे डॉगी, तुझे और कौन कौन सी ट्रिक आती है? मैं हूँ जेक, और तेरा क्या नाम है? मैं हूँ स्नॉप। स्नॉप, स्नॉप तो बहुत ही ज्यादा कूल नेम है, लेकिन अगर इसे और भी ज्यादा कूल करना है तो स्नॉप की
जगह अपना नाम ड्रॉप रख रहे। ड्रॉप इज वेरी कूल नेम यू नो। ड्रॉप नाम तो ठीक है जी, लेकिन ड्रॉप का मतलब तो गिरना आता है ना जी, लेकिन अपन तो खड़ा हुआ है जी। देख ले ड्रॉप नाम इज वेरी कूल, मैं तो यही बोलूंगा कि तू भी ड्रॉप को ही रख ले अपना नाम। ठीक है जी, आप जैसा बोले हम वैसा ही करेगा जी। आखिरकार हमें तुम्हारा डागी है जी। डिचका अच्छा हुआ जी, हमें बिल्कुल अकेला फील कर रहा था जी, हम बोर हो रहा था अकेला अकेला। मास्टर आपने बहुत अच्छा किया जी, अपने इसे बेटे को ला दिया जी, अब हम बहुत खुश है जी। अरे मेरा बेटा तो यहाँ आएगा, उसका घर है, आखिर वो और कहाँ जाएगा। लेकिन हाँ तुम्हें एक बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि मेरा बेटा और तुम्हारी जोड़ी बिल्कुल ही बढ़िया लग रही है, और मैं तो चाहता हूँ कि तुम दोनों एक वॉक पे निकल जाओ ताकि तुम दोनों एक दूसरे को और अच्छे से जान सको। तब तक मैं खाना लगवा देता हूँ, खाना लगेगा और मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा, ठीक है बेटा। ओके डैडी, हम लोगों का कोई भी दिक्कत नहीं है। ओ प्यारे ड्रॉप, तुम मेरे साथ चलो। जैसा बोला जी, हमें तो तुम्हारा ही डागी है जी, जब तुम्हें बोलेगा मैं करेगा जी। तो देखो प्यारे ड्रॉप, मैं तो एक सुपरमैन हूँ, मैं चाहूँ तो उड़ भी सकता हूँ। हाँ मतलब अभी मेरी पूरी पावर्स नहीं आई है, लेकिन मैं जब भी चाहूँ मैं उड़ सकता हूँ, ठीक है। जी हम तुमको समझ नहीं पा रहा है जी, लगता है तुम बहुत ज्यादा कार्टून आदमी है जी। मुझे स्कूल में भी सब लोग कार्टून कार्टून करके छुड़ाता रहता है, लेकिन मैं बड़ा हैप्पी रहता हूँ, हैप्पी। जी आप तो बहुत अच्छा लग रहा है हमको, चलो हम मॉर्निंग वॉक पे चलते हैं जी, जो कि हम दोपहर पे जा रहे हैं। अरे ड्रॉप, हम जब भी वॉक करें वो मॉर्निंग ही होगी, क्योंकि आखिरकार आफ्टर ऑल आई एम अ मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार क्या होता है जी, हमने तो रात को ही तारे देखे, दिन पे कोई तारा होता है क्या जी? ये तो बहुत ही विचित्र और अजीब सा बेटा है जी, लेकिन अपने पास कोई चारा नहीं है जी कि चुपचाप साथ में चलते हैं मास्टर, चलो। हाँ तो ड्रॉप, तुम मुझको ये बताओ कि क्या तुम्हें गले में पट्टा बांध के घूमने में पसंद आता है, मजा आता है क्या? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे गले में पट्टा बांध के तुम्हें घुमाऊं। जी हमको पट्टा बांधना पसंद नहीं है जी, डिचका उससे हमको बहुत सफरिंग होता है जी। अच्छा ठीक है, तो इसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, तुम मेरे पीछे पीछे आ जाओ प्यारे ड्रॉप, और जो जो मैं कहूँ वैसा वैसा तुम करना, और हम दोनों आज बहुत मजा करने वाले हैं। एक काम करो, ये देख ये पीछे जो पीला पीला वस्त्र पहन के एक आदमी जा रहा है ना, उसको खा दे, उसे जल्दी से भाग और उसे खाट, समझा? डिचका मास्टर ये तो बहुत गलत है जी, हम ये नहीं कर पाएंगे जी। अरे ड्रॉप तू चिंता मत कर, तेरे साथ जो भी होगा मैं देख लूंगा। डिचका ये तो इधर ही आ रहा है जी, हमको इसको काटना पड़ेगा क्या? हमको बिल्कुल मन नहीं है, काम करता है जी, हम इसको भाग के देखता है। डिचका जी बाबू बाबू जी, तुम कौन है जी, हमको भागो यहाँ से। अरे कौन है ये पागल डॉगी, मेरे ऊपर क्यों चढ़ रहा है, मुझे जाने दो। अरे सॉरी सॉरी, मैं गलती से टकरा गया, आजकल के कुत्ते भी पागल हो गए हैं। अरे वाह प्यारे ड्रॉप, तुमने बिल्कुल वैसा ही किया। एक काम करो, अब तुम सीधा जाके इस हरे वाले इंसान को काट दो, ठीक है? जल्दी से काटो इसे, तुमने सुना नहीं क्या, अभी तुरंत काटो उसे, जाओ जल्दी काटो। डिचका डिचका हमको तो इंसानों को काटना पसंद नहीं है जी, लेकिन मास्टर बोला है। डिचका डिचका हेलो जी, हम तुमको काटेगा। बापरे बाप, मम्मे मम्मे भागो। मास्टर हमने उसको काट दिया जी। अरे ये क्या, तुमने तो उसे बहुत भयंकर काटा है, कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई है? अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो फिर तुम बहुत बुरा फंस जाओगे मेरे प्यारे डॉगी ड्रॉप। मास्टर डिचका आपने तो बोला था जी कि आप हमको बचा लेगा। ये क्या, मैंने कब बोला कि मैं तुमको बचाऊंगा, मैं तो तुम्हारा मास्टर हूँ, मुझे पता नहीं कि मैं तुम्हें बचा सकता हूँ या नहीं, लेकिन ठीक है तुमने ऐसा कर दिया, चलो अभी फिलहाल घर चलते हैं। डिचका ये तो बहुत ही अजीब सा मास्टर है जी, हमको बुरा बुरा काम कराता है जी, हमको मन भी नहीं है जी, और उसके बाद हमको बोलता है कि हम तुमको शायद ही बचा पाएगा, लेकिन अब ये हमारे बड़े मालिक का छोटा बेटा है जी, अब इसका बात तो हमको सुनना पड़ेगा जी। अरे ओ भाई चॉप शिनचान, कब से वेट कर रहा हूँ भाई, आना है कि नहीं आना है लोग को? मेरे को लगता है आने नहीं वाले आज, अब अंदर जाके बुलाना पड़ेगा इन लोग को। नहीं नहीं मास्टर, हम आ गए हैं। ओ मास्टर, लेकिन आप तो बहुत ही लेट आए हो भाई ड्यूटी से, अब मुझे पता नहीं कि मेरे प्यारे प्यारे दोस्त लोग वहाँ पर होंगे या नहीं होंगे। चुप, हमें तो जाकर ही पता चली गई, चल वहाँ पर जाके देखते हैं पार्क में। अरिन भाई अब गाड़ी चालू करो। ऑल राइट जल्दी से बैठो भाई, वैसे भी पार्क ज्यादा दूर तो है नहीं, 2 मिनट का तो रास्ता है यार, पहुँच जाएंगे पार्क, देख लेंगे, वो लोग मिल गए तो ठीक, नहीं मिले तो अपन अपना खेल लेंगे। लेकिन मास्टर मुझे तो बड़ा मन है कि मैं उन लोग के साथ ही खेलूं। अरे भाई तू चिंता क्यों करता है यार, अपन को मिल जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा लेट थोड़े हुए, और उन्होंने कम से कम अंधेरे तक तो खेलता है ऐसा बताया था ना तेरे को, तो फिर तू 5 मिनट वेट कर, मैं तेरे को ना सिर्फ 10 मिनट में पहुँचाता हूँ। अरे 5 मिनट वेट करूँ और 10 मिनट
थोड़े पहुँचाते हैं। लगता है आपका भी मैथ्स बहुत कमजोर है मास्टर। मैथ्स का तो पता नहीं, लेकिन मेरी ड्राइविंग कमजोर नहीं है भाई। अभी देखो थोड़ा सा दिखाता हूँ। अरे बाप रे बाप, मास्टर आप तो लगता है गरीबों के बहुत बड़े धूमपुर के हीरो है भाई। अ फ्यू मोमेंट्स लेटर। ऑलराइट, अपन देखो पार्क वार्क तो पहुँच गए भाई, लेकिन चॉप आई एम रियली सॉरी, शायद मुझे तेरे दोस्त नहीं दिखाई दे रहे। आप चिंता मत करो मास्टर, मैं उन्हें ढूंढ लूंगा। मेरे प्यारे दोस्त, तुम लोग कहाँ हो? मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। लगता है तुम लोग डस्टबिन में हो गए। डस्टबिन? अरे डस्टबिन में तो बस मक्खियाँ है। लेकिन मैं चाहूँ तो मक्खियाँ से भी दोस्ती कर सकता हूँ। क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, मक्खियाँ तो मुझे भाव नहीं दे रही है, लेकिन ठीक है, मैं अपने दोस्तों का खोज के रहूंगा। वो रहे हाय दोस्त रैबिट, रैबिट मेरे प्यारा खरगोश, मैं देखो तुमसे मिलने आ गया हूँ। अरे वाह, मुझे लगा था कि अब तुम हमसे कभी नहीं मिलोगे, क्योंकि जनरली लोगों को उनके मास्टर मिलते हैं और फिर वो अपने दोस्तों को भूल जाते हैं। अरे नहीं नहीं भाई, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ। और दादाजी आप कैसे हैं? दादाजी प्रणाम। अरे बेटा मैं ठीक हूँ, बस दिन ब दिन जवान होता जा रहा हूँ। जवान होते जा रहे हैं? लेकिन मैंने तो ये सुना था कि समय के साथ बुढ़ा होता है। इसका मतलब लगता है समय के साथ मेरे जितने भी पूछ है, बाल है, सब झड़ने के बजाय और बढ़ जाएंगे, है ना? अरे नहीं बेटा, मैं तुमसे मजाक कर रहा था। सॉरी सॉरी, मजाक कर रहे थे? अरे तो भाई मैं भी तो मजाक कर रहा था, मुझे क्या मजाक करना नहीं आता है क्या? अब मैं बहुत खुश हूँ भाई, मुझे मेरे दोस्त मिल गए, अब मैं उनके साथ खेलूंगा। गाइस यहाँ पर तो चॉप बड़ा खुश है और उसका भाई भी एक अच्छे से मास्टर के पास सेटल हो गया, लेकिन कोई है जो कि अभी उतना खुश नहीं है। अपन अभी देखने वाले हैं इन दोनों के पापा। यस गाइस, इनके वही पापा जिन्होंने इन दोनों को घर से हमेशा के लिए निकाल दिया था। अभी अपन चल के देखते हैं कि इनके पापा की क्या हालत है, क्योंकि वो बहुत अच्छी नहीं है। पता नहीं, मैंने अपने दोनों बेटों को घर से तो भगा दिया है, लेकिन वो दोनों किस हालत में होंगे, कैसे होंगे, कहाँ खाते होंगे, कहाँ पीते होंगे, कभी कभी मुझे बड़ी चिंता होती है। लेकिन हाँ, कल हम पूरा परिवार एक जगह पे इकट्ठा होके मिलते हैं हर साल, क्योंकि कल इनकी मम्मी का बर्थडे है। बस कल ये लोग उस जगह पर आ जाए, हम इतने सालों से उस जगह पर जा रहे हैं। अगर ये लोग कल उस जगह पर नहीं आए तो मैं समझ जाऊंगा इनके दिल में कुछ भी प्यार नहीं बचा है, और कल ये लोग आएंगे तो फिर मैं उनसे मिल लूंगा। मुझे भी बहुत याद आती है भाई इनकी, लेकिन ठीक है, देखते हैं कल ये लोग आते हैं या नहीं। द नेक्स्ट डे, ये लोग अभी तक कैसे नहीं आए? मैं सुबह से इनका इंतजार कर रहा हूँ, लगता है ये लोग भूल गए, अब मुझे घर चले जाना चाहिए। अरे बाप रे, पापा नहीं आएंगे? वो रहे पापा, पापा देखो मैं आ गया। अरे मम्मी कहाँ है पापा? अरे बेटा मुझे तुमसे माफी मांगनी थी, क्या तुम मुझे माफ करोगे? मुझे माफ कर दो। गुस्से में माफी मांगते हुए तो मैंने ज्यादा लोगों को सुना नहीं है, लेकिन ठीक है पापा, मैं आपको माफ करता हूँ। और तुम्हारा वो भाई कहाँ है? वो कहाँ रहता है, कुछ पता है तुम्हें? नहीं पापा, मुझे नहीं पता वो कहाँ रहता है, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि वो जरूर आएगा। जी पापा जी, मैं आ गया जी। देखो यहाँ पर मम्मी नहीं है जी, हमको चाहिए था कि मम्मी भी, हम उनका बर्थडे विश करने आया था जी। अरे बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम दोनों के साथ बहुत गलत किया है, क्या तुम मुझे माफ करोगे? क्या जी, हम आपको जरूर माफ करेंगे जी, है ना चापा, हम करेंगे ना जी। मैंने तो पहले ही कर दिया, मैं भी आपको माफ करता हूँ डैडी जी, आप हमको बिल्कुल भी गुस्सा ना करिएगा। लेकिन मुझको कुछ पूछना है बेटा, तुम दोनों खुश तो हो ना? तुम्हारे मास्टर लोग सब कैसे है बेटा? डिचका मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ जी, मैं बड़ा खुश हूँ। मैं भी खुश हूँ पापा, मेरे साथ तो बहुत ही बढ़िया लोग है। एक सिंचन करके छोटू सा है, वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, और एक आर्यन भाई है, वो तो बिल्कुल मेरी देख रेख करते हैं और दिन भर मेरे साथ ही रहते हैं, और मुझे समय पे खिलाते पिलाते और सुलाते भी है। डिचका तुम्हारे मास्टर है, तुम्हारे साथ ही रहते क्या जी? उनका काम धंधा नहीं है क्या जी? बड़े नल्ले से लगते है जी। मास्टर के बारे में कुछ बोलोगे ना तो काट खाऊंगा तुमको, समझ में आया तुमको? डिचका डिचका जी, हमारे मास्टर तो बहुत बिजी रहते है जी। इसका मतलब तुम उतने अच्छे से खुश ना ही लगते हो, सच बताओ स्नाब, क्या तुम खुश हो अपने मास्टर के साथ? अगर नहीं हो तो तुम मेरे साथ रह सकते हो।
नहीं हम डबल खुश है जी, हमको कुछ नहीं चाहिए, हम अपने मास्टर के साथ बिल्कुल खुश है जी। डिचका हम चलते है जी, मम्मी को हमारा हैप्पी बर्थडे बोल देना जी। हम थोड़े से तो दुखी है जी, हमारे मास्टर हमको थोड़ा सा टाइम कम देता है जी, उनका बेटा हमसे बेपरवाह एकदम फालतू काम कराता है। चलो जी, कम से कम हमारा जो भाई है वो तो खुश है जी, ये तो थोड़ी अच्छी बात है जी। हम लोग गरीब घर से आके अभी खुश है जी। तो है ये तुम्हारा भाई जो है ना स्नोप, ये उतना खुश नहीं है। लेकिन इसने बोला कि ये खुश है पापा, ये खुशी होगा, आप चिंता ना करे। नहीं ये नहीं है। अच्छा ओके ठीक है पापा जी। वेल गाइज, आज के वीडियो में तो इतना ही था। चॉप की स्टोरी में अभी भी कुछ काफी सारे ट्विस्ट अजीबोगरीब फनी बचे हुए हैं। तो अगर आप भी चाहते हो इस गाय का देखना तो मुझे कमेंट्स में पार्ट 3 लिख देना। अगर तो 10K से ज्यादा कमेंट्स होंगे तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ले आऊंगा। बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करो, चैनल पर ना तो सब्सक्राइब करो। अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।